नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और स्वागत है आपका नो योर सोलर सिस्टम वीडियो सीरीज के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, इस वीडियो सीरीज में हम हमारे सौरमंडल के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। दोस्तों, आज हम जिस ग्रह के बारे में बात करने जा रहे हैं उसे धरती से परे मनुष्य का दूसरा बसेरा भी कहा जाता है। रेड प्लैनेट के नाम से जाना जाने वाला यह ग्रह भले आज बेहद ही शुष्क, ठंडा तथा वीरान हो, पर वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर प्राचीन नदियां, समुद्रों तथा झीलों के अवशेष मिले। आज हम जिस गति से स्पेस एक्सप्लोरेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, इससे अनुमान लगाया जा रहा है कि हम आने वाले कुछ दशकों में मंगल ग्रह पर मानव बस्तियां बसा लेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आप संभावनाओं से भरे इस अद्भुत ग्रह के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान सकें। दोस्तों, माना जाता है कि इटली के खगोलविद गैलीलियो ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार पृथ्वी से मंगल ग्रह को देखा था। उन्होंने साल 1609 में एक प्राचीन दूरबीन की सहायता से इस ग्रह को देखा था, जिसके बाद साल 1659 में डच के खगोलविद ने एक उन्नत दूरबीन का उपयोग कर मंगल ग्रह को देखा था। मंगल ग्रह को उसका नाम रोमन सभ्यता के गॉड ऑफ वॉर से मिला है, पर और भी कई प्राचीन सभ्यताओं में इस ग्रह का जिक्र मिलता है। मंगल ग्रह सूर्य से चौथा तथा हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह है। मंगल ग्रह पर भेजे गए यानों ने जो जानकारियां दी हैं, उसके अनुसार मंगल ग्रह की सतह काफी पुरानी है तथा क्रेटरों यानी गड्ढों से भरी पड़ी है, परंतु वैज्ञानिकों को इस ग्रह पर कुछ नई घाटियां, पहाड़ियां और पठार भी मिले हैं। मंगल ग्रह का ऊपरी सतह मुख्य रूप से आयरन ऑक्साइड से बना हुआ है, जिसके कारण इसका रंग गहरा लाल है। अपने लाल रंग के कारण इसे रेड प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। मंगल ग्रह उन चुनिंदा ग्रहों में से एक है जिसे आप खुली आंखों से भी देख सकते हैं। मंगल ग्रह एक अंडाकार ऑर्बिट में सूर्य का चक्कर लगाता है तथा इसे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 687 दिनों का समय लग जाता है। मंगल ग्रह के पास कुल दो प्राकृतिक उपग्रह मौजूद हैं, जिन्हें फोबोस तथा डीमोस के नाम से जाना जाता है। फोबोस पूरे सौरमंडल में अपने ग्रह से सबसे कम दूरी में चक्कर लगाने वाला प्राकृतिक उपग्रह है। इसकी मंगल की सतह से दूरी मात्र 6000 किलोमीटर है, जबकि हमारी पृथ्वी तथा चंद्रमा की दूरी लगभग 3,84,000 किलोमीटर है। इन दोनों ही उपग्रहों की गिनती सौरमंडल के सबसे छोटे उपग्रहों में की जाती है, पर इन दोनों उपग्रहों के निर्माण ने वैज्ञानिकों को अचरज में डाला हुआ है। कुछ का मानना है कि ये उपग्रह मंगल ग्रह से टूटकर बने हुए हैं, जबकि कुछ का मानना है कि ये दोनों क्षुद्र ग्रह हैं, जो कि मंगल ग्रह के पास से गुजरते समय इसके गुरुत्वाकर्षण में आकर इसका चक्कर लगाने लगे। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन दोनों ही उपग्रहों का इस्तेमाल भविष्य में होने वाले मानव मिशनों के लिए एक एक्टिव बेस के रूप में किया जा सकता है। मंगल ग्रह काफी हद तक पृथ्वी के समान ही है। वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर ज्वालामुखी, पहाड़, घाटियां तथा चार मौसमों का पता चला है। ये मौसम पृथ्वी से ज्यादा लंबे होते हैं। भले ही मंगल ग्रह आज बेहद ही शुष्क, ठंडा तथा वीरान हो, पर वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह कभी पृथ्वी जैसा रहा होगा। एक अध्ययन के अनुसार वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर प्राचीन नदियों तथा झीलों के सबूत मिले हैं, जिसके बाद वैज्ञानिकों का कहना है कि मंगल ग्रह पर कभी पानी मौजूद रहा होगा तथा यहाँ का एनवायरमेंट आज के मुकाबले पृथ्वी जैसा ही रहा होगा, जो कि जीवन को संभव बनाने के लिए बिल्कुल अनुकूल था। हालांकि अभी तक किए गए खोज में वैज्ञानिकों को मंगल ग्रह पर जीवन होने के पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, पर वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लाखों साल पहले यह एक हरा भरा ग्रह रहा होगा, क्योंकि तब इस ग्रह पर पर्याप्त मात्रा में पानी, नमी और इंग्रेडिएंट्स मौजूद रहे होंगे, और इसी वजह से दुनिया भर की तमाम स्पेस एजेंसियां दिन रात इस ग्रह पर जीवन की तलाश कर रही हैं। एक तरफ जहां मंगल ग्रह और हमारे पृथ्वी में बहुत सी समानताएं मौजूद हैं, वहीं इन दोनों ग्रहों में एक बहुत बड़ी असमानता भी मौजूद है, और वह है यहाँ का एटमॉस्फेयर एवं हवा। मंगल ग्रह का एटमॉस्फेयर बेहद ही कमजोर है, जो कि मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। यह इतना कमजोर है कि मंगल ग्रह पर अंतरिक्ष से रेडियो एक्टिव किरणों की बारिश होती है, और वैज्ञानिक मानते हैं कि इसी वजह से मंगल ग्रह पर सारा पानी सूख कर अंतरिक्ष में चला गया होगा। बेहद ही ठंडे एवं पतले वायुमंडल के कारण लिक्विड वाटर यहाँ ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाता। अगर हम मंगल ग्रह के एटमॉस्फेयर की बात करें तो यह करीब 95% कार्बन डाइऑक्साइड, 2.7% नाइट्रोजन, 1.6% आर्गन एवं अन्य गैसों से मिलकर बना हुआ है, तथा यहाँ मात्र 0.13% ऑक्सीजन ही मौजूद है, जो कि जीवन को यहाँ बेहद कठिन बनाता है। मंगल ग्रह सूखा तथा धूलदार ग्रह है,
इसकी सतह चट्टानी है जो कि आयरन ऑक्साइड से भरी पड़ी है, जिसके कारण इसकी सतह लाल नजर आती है। इस ग्रह पर हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल धूल भरा तूफान आता है जो कि महीनों तक चलता है। यह इतना विशाल होता है कि यह कई महीनों तक ग्रह को पूरी तरह से ढक देता है। सूर्य से ज्यादा दूरी होने के कारण मंगल ग्रह का तापमान हमारे पृथ्वी से बहुत कम होता है। यहाँ का औसत तापमान -60 डिग्री सेल्सियस होता है, जो कि ठंड के मौसम में -125 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। मंगल ग्रह न सिर्फ आकार में हमारे पृथ्वी से छोटा है, बल्कि इसकी सतह का गुरुत्वाकर्षण भी हमारे पृथ्वी से बेहद ही कम है। मंगल ग्रह का गुरुत्वाकर्षण हमारे पृथ्वी का मात्र 38% है, यानी अगर आपका वजन धरती पर 100 किलोग्राम होगा तो मंगल ग्रह के कम गुरुत्वाकर्षण के कारण वहां आपका वजन मात्र 37 किलोग्राम रह जाएगा। और वहीं मंगल ग्रह के उपग्रह फोबोस का गुरुत्वाकर्षण हमारे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का मात्र 1000वां हिस्सा ही है। अर्थात अगर पृथ्वी पर आपका वजन 100 किलोग्राम है तो फोबोस पर आपका वजन घटकर मात्र 100 ग्राम ही रह जाएगा। दोस्तों, हमारे सौरमंडल में मुख्य रूप से दो प्रकार के ग्रह पाए जाते हैं, जिनमें पहला है टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, जिनकी सतह चट्टानी एवं पथरीली होती है, तथा दूसरे होते हैं गैस जायंट्स, जो पूरी तरह गैस के बने होते हैं। मंगल ग्रह एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है, जहां एक ठोस एवं चट्टानी सरफेस मौजूद है। यहां की सतह मुख्य रूप से सूखी एवं पथरीली है, जो कि आयरन तथा अन्य खनिजों से भरे पड़े हैं। समय के साथ आयरन के खनिज ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, जिसके कारण यहां की मिट्टी लाल नजर आती है। मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल पहाड़ ज्वालामुखी तथा घाटी मौजूद है। मंगल ग्रह पर मौजूद ओलंपस मॉन्स को हमारे सौरमंडल का सबसे विशाल पर्वत तथा सबसे विशाल ज्वालामुखी माना जाता है। वैज्ञानिकों के अनुसार यह एक शील्ड वोल्केनो है, जो कि अभी भी एक्टिव हो सकता है। इसकी ऊंचाई करीब 25 किलोमीटर है तथा इसका व्यास 600 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इस पर्वत का निर्माण विशालकाय वोल्केनो के सूख जाने की वजह से हुआ है। दूसरी ओर मंगल ग्रह पर हमारे सौरमंडल के सबसे विशाल तथा गहरी घाटी मौजूद है, जिसे वैलीज मेरिनरिस के नाम से जाना जाता है। यह घाटी करीब 600 किलोमीटर लंबी, 30 किलोमीटर चौड़ी तथा 10 किलोमीटर गहरी है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस विशालकाय घाटी का निर्माण मंगल ग्रह के क्रस्ट तथा प्लेट्स में हुए खिंचाव तथा फैलाव के कारण हुआ है। वैज्ञानिकों का यह भी मानना है कि इस विशालकाय घाटी के अंदर और भी घाटी मौजूद हो सकते हैं। दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज मंगल ग्रह पर जीवन की तलाश में जुटी हुई है। वहीं कुछ वैज्ञानिक मंगल ग्रह को टेराफॉर्म यानी इंसानों के रहने लायक बनाने में जुटे हुए हैं। इसके लिए कुछ प्रयोगशालाओं में मंगल ग्रह जैसा माहौल तैयार किया गया है, जहां ऐसे बैक्टीरिया रखे जा रहे हैं जो कि बेहद सख्त जान हो एवं बुरे से बुरे वातावरण में जिंदा रह सकते हो। इन बैक्टीरिया को बेहद ठंडे तापमान में रखा जाता है तथा इन पर रेडियो एक्टिव किरणों की बौछार की जाती है, ताकि यह परखा जा सके कि ये मंगल ग्रह के वातावरण में बच पाएंगे या नहीं। इन प्रयोगों की बदौलत वैज्ञानिकों ने ऐसे जीवों की लिस्ट तैयार की है जो मंगल ग्रह के कठिन वातावरण में भी जिंदा रह सकते हैं। मंगल ग्रह पर किसी भी ग्रह की तुलना में सबसे अधिक मिशन भेजे गए हैं। अब तक कुल मिलाकर मंगल ग्रह पर 50 से अधिक मिशन भेजे जा चुके हैं, पर इनमें से ज्यादातर मिशन असफल रहे हैं। वर्तमान समय में मंगल ग्रह का अध्ययन करने के लिए 8 अभियान काम कर रहे हैं, जिनमें से एक हमारे भारत देश का मंगलयान यानी कि मार्स ऑर्बिटर मिशन भी है। इस मिशन को 5 नवंबर 2013 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह पहला मौका था जब भारतीय स्पेस एजेंसी ने पृथ्वी से परे किसी दूसरे ग्रह पर अपना स्पेसक्राफ्ट भेजा था। सितंबर 2014 में यह स्पेस प्रोब सफलतापूर्वक मंगल के ऑर्बिट में स्थापित हो गया। इसके साथ ही भारत देश मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक अपना मिशन भेजने वाला दुनिया का चौथा तथा एशिया महाद्वीप का पहला देश बन गया। साथ ही मंगल ग्रह पर नासा के दो एक्टिव रोवर क्यूरियोसिटी एवं अपॉर्चुनिटी रोवर मौजूद हैं, जो कि इस लाल ग्रह पर जीवन की तलाश कर रहे हैं। भविष्य में नासा के दो मिशन मार्स 2020 और इनसाइट तथा यूरोपियन स्पेस एजेंसी का एक मिशन एक्सो मार्स रोवर मंगल ग्रह पर भेजे जाएंगे। उम्मीद है कि मानव आने वाले कुछ दशकों में इस लाल ग्रह पर अपने कदम रख देगा। यह क्षण मानव इतिहास के सबसे यादगार क्षणों में से एक होगा। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको क्या लगता है कि क्या मानव मंगल ग्रह पर अपनी मानव बस्तियां बसा पाएगा या नहीं? और साथ ही आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसे ही अमेजिंग और नॉलेज से भरपूर वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।